हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत वेलकम है गाइस 111 चैनल के ऊपर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ एंड आप लोग ठीक हैं। हालांकि आज का जो टॉपिक है वो इसी चीज़ के ऊपर है, बट फिर भी मैं पूरे दिल से उम्मीद करती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ, आपको उनकी एकदम परफेक्ट और सटीक सॉल्यूशंस मिले, ठीक है, और सब 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 बेहतर हो जाए आपकी लाइफ में। आमीन आमीन। ओके, तो बेसिकली आज का टॉपिक वैसे तो आपको पता ही है, बट फिर भी एक बार ही बता देती हूँ। आज हम देखने वाले हैं कि आपकी जो लाइफ है वो दिन पे दिन वर्स क्यों हो रही है, दिन पे दिन ख़राब ही क्यों हो रही है, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन क्या है। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपकी जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा दिनों दिन जो है ख़राब क्यों हो रही है, बदतर क्यों हो रही है, एंड इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो आज आपने जो है पिक करना है अपना खुद का जो है जोडियक, ठीक है। अगर आपका जोडियक एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो है, यानी कि आपकी अगर राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या है, तो आपने पाइल नंबर 1 को पिक करना है, ठीक है। यू नीड टू पिक पाइल नंबर 1 देन। अगर आपका जो जोडियक है वो लीब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस है, यानी कि आपकी जो राशि है वो तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन है, तो आपने पाइल नंबर 2 को पिक करना है, ठीक है। सिंपली देख लीजिए आपका जो जोडियक है वो किस वाले पाइल में, 1 में है या 2 में है, सिंपल, ठीक है। ये देखिए, ओके, एंड हिंदी वाले भी देख लीजिए, ओके। तो अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरीके से सेलेक्ट किया जाए, है ना, किस तरीके से क्या किया जाए। मेरा नाम का तो अलग है, बर्थ चार्ट का अलग है, स्वभाव वाला अलग है। देखिए, अगर जैसे सपोज करें कि आपका है कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, जैसे आपका सपोज करते हैं हम, ठीक है। कैंसर आपका नाम से है एंड बर्थ चार्ट से आपका स्कॉर्पियो, तो एक बार ही आप नाम वाला चेक कर लीजिए जो आपको पता है, ठीक है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, इट्स टोटली ओके, है ना। अब अगर आपका कैंसर निकल, कैंसर वाला जो है आपसे रेजोनेट कर रहा है, देन टोटली ओके, नहीं कर रहा है तो भाई आप स्कॉर्पियो ले लो, ठीक है, सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग। ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है फॉर दोज पीपल हो जो स्टक है अपनी लाइफ में, ओके। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, द पीपल हु चूज पाइल नंबर 1, यानी कि आपका जो जोडियक है, आपकी जो राशि है वो है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, यानी कि एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड वर्गो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग एंड देखने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, क्या यहाँ रख देती हूँ, ओके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज फील हो रहे हैं, जैसे एक तो फैमिली के कुछ बर्डन्स हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में, एंड कुछ मनी के इश्यूज भी हैं। मतलब फैमिली के इश्यूज ऐसे हो सकते हैं कि आपकी लव लाइफ के इशू हैं कोई स्ट्रॉन्ग, कि आपके पार्टनर के घर वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, ठीक है, या फिर घर के अंदर किसी तरीके की नाटक नटंग की लड़ाइयाँ, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, ओके। या फिर आप जिनसे शादी करना चाहते हैं, किसी परिस्थितिवश उनसे शादी आपकी नहीं हो पा रही है, या मुझे एक चीज़ और महसूस हुई थी, और वो थी मनी, ठीक है, मनी को लेकर के कुछ दिक्कतें हैं। खैर, जो भी दिक्कत है, आज हम दिक्कत के ऊपर बात नहीं करने वाले, आज हम बात करने वाले हैं लाइफ क्यों जो है वर्स पे वर्स हो रही है एंड इसका सॉल्यूशन। तो मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक, न्यू लाइफ। तो चलो, आपको न्यू लाइफ तो मिलेगी, है ऐसी बात नहीं है। चलिए और देखते हैं,
बॉटम ऑफ द डेक सन. वाओ, न्यू लाइफ. और अभी यहाँ पे सन का कार्ड है. दिस इज कॉल्ड समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल. आज मैं ज़्यादा कार्ड्स इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, कम ही डेक्स का इस्तेमाल करूँगी मैं आज आप लोगों के लिए. बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट एंड कुछ एडवाइजेज है वो हम बाद में चेक इन करेंगे. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप ही के साथ क्यों. ओके, थिंकर, गो द डिस्टेंस, क्लीन इट अप, अनफिनिश्ड सिम्फनी. अभी जो लोग थोड़ा थोड़ा कार्ड रीड करना करते हैं ना, वो लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या रीजंस बताने वाली हूँ. मून, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, द डेथ. माय गुडनेस, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस कार्ड. देखो बाप रे, पता है आपकी लाइफ वर्स से वर्स क्यों हो रही है? यहाँ पे ना आपकी भी बहुत बड़ी मिस्टेक है. बताऊंगी मैं आपको क्या क्या मिस्टेक है आपकी. सन, जस्टिस, सेवन ऑफ वॉन्स, अगेन टावर, दो बारी टावर है आप लोगों के लिए, थ्री ऑफ वॉन्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. तो आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे. बेसिकली सबसे पहले हम जानेंगे कि आपकी लाइफ दिनों दिन वर्स से वर्स क्यों हो रही है. देखिए, कोई भी चीज़ ना एक दिन में नहीं बदलती, ये चीज़ आप भी जानते हैं, है ना. चीज़ें धीरे 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 बदलती हैं. आपकी ना, पहले मैं आपकी गलतियां बता देती हूँ एंड देन एक्चुअली इम्पॉर्टेंट रीज़न बताऊँगी. आपकी गलतियाँ उस इम्पॉर्टेंट रीज़न को बढ़ावा देती हैं, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग. ठीक है, जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ. कोई भी चीज़ होती है वो ऐसा तो है नहीं कि रातों रात हो गई, नहीं, हर चीज़ धीरे धीरे होती है. ठीक है, लेकिन आप पता है क्या करते हैं, आप एक तरीके का आलस क्रिएट करते रहते हैं. करेंगे करेंगे, देखेंगे देखेंगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और वो चीज़ फिर ख़राब हो जाती है टोटली. ठीक है, टोटली नेगेटिव एनर्जी में चली जाती है. वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ. आप पहली बात सोचते बहुत हैं, यू आर ओवर थिंकर अबाउट एवरी थिंग. आप है ना, जैसे सपोज करो फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे आपके आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है. कोई घोस्ट अटैक हुआ है, कोई भूत है जो आपको देख रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है, कोई भूत है जो आपको देख रहा है. अब आप है ना उसके ऊपर और ज़्यादा सोचोगे 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 सोचोगे. सोचने से क्या होगा कि वो जो एक्चुअली में है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन उस एनर्जी को जो है, जो उस नेगेटिविटी को जो है, एनर्जी मिल जाती है स्ट्रॉन्ग. अब वो चीज़ ना आपके दिमाग पे स्ट्रांगली अटैक करती है. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, तो जैसे सपोज करें आप किसी चीज़ से डरते हैं. आप किसी चीज़ से डरते हैं ना, तो आप अपना डर ख़त्म नहीं करेंगे, आप उस डर के बारे में सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, ओवरथिंकिंग करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे. आप उसका सोल्यूशन निकालने की जगह उसके परिणामों को, उसके रिजल्ट्स को सोचते हैं ज़्यादा. ठीक है, ये गलती आप बहुत ज़्यादा करते हैं. इससे क्या होता है कि आपकी दिमाग में जो नेगेटिविटी चलती रहती है ना, वो नेगेटिविटी और ज़्यादा बड़ा रूप ले लेती है, और जब वो और बड़ा रूप ले लेती है ना, तो वो आपके सामने आ जाती है और फिर आपको उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता. फिर हो ही सो देखी जाए वाली कंडीशन हो जाती है. ठीक है, तो मेरे प्यारे चांद के टुकड़ों, बात ऐसी है पाइल नंबर वन पीपल कि आप ओवरथिंकिंग करते हैं और नेगेटिविटी को और बहुत सारी एनर्जी दे देते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो फिर ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, दूसरा, आप टाइम रहते क्या नहीं करते. पहला तो नेगेटिव थिंकिंग बहुत करते हैं, एनर्जी देते हैं ख़राब चीज़ों को. दूसरा, समय रहते आप चीज़ों के बारे में डिसीजन नहीं लेते हैं. समय रहते, जैसे कि सपोज करें अभी टाइम है भाई, अभी 10 दिन में ये काम करना है मुझे, अच्छा, अभी 9 दिन में ये काम करना है मुझे, अच्छा,
सामने वाला सिर्फ सुन ही रहा है आपके मुंह से, आप उसके लिए कोई वो नहीं करेंगे, और जब डेडलाइन आ जाएगी ना तब आप भागेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। अब मैं अगर आपकी बुराइयाँ बता रही तो इसका मतलब ये नहीं है सोचना है कि बस हमारे में बुराइयाँ हैं, नहीं, ये देखो कमियाँ और खूबियाँ सब में होती हैं, कुछ इधर होती कुछ उधर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बस नेगेटिव होके बैठ जाए, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो टेंशन नहीं लो, सब सही हो जाएगा, ओके। अच्छा अब बात आती है कि मेन रीज़न, ये तो आपके चलो बढ़ावे रीज़न थे, आप बढ़ावा देते हो उस चीज़ को, मेन रीज़न इज ये देखिए, मेन रीज़न इज आपकी लाइफ वर्स से वर्स क्यों हो रही है, दो रीज़न है। पहला रीज़न है देयर इज़ सम काइंड ऑफ इविल अटैक, आई एम टेलिंग यू। पॉइंट नंबर वन पीपल, या तो ये किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, क्योंकि दो बारी टावर का कार्ड भी है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं ब्लैक मैजिक के, या ये किसी तरीके का स्पेल हो सकता है, ओके। स्पेल और ब्लैक मैजिक में अंतर होता है, दिन रात वाला, ओके। तो ये किसी तरीके का स्पेल हो सकता है, या फिर ये किसी तरीके की बहुत गंदी नज़र टोक है आपका। आपको मैं बताऊँ, नज़र टोक लोगों को बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन जो ये नज़र होती है ना, ये ख़राब नज़र ना लोगों की पूरी लाइफ बदल देती है। लोगों के बड़े बड़े घर मैंने ढहते हुए देखे हैं बिकॉज ऑफ दिस ख़राब नज़र। तो आपकी लाइफ में देर आर सो मेनी कार्मिक पीपल, ठीक है। पहला रीज़न तो ये हो गया आपका ब्लैक मैजिक स्पेल एंड नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इविल आए। दूसरा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लोग हैं, स्पेशली आपकी फैमिली में कोई ऐसा है, आपकी फैमिली में या फिर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा है जो कि बहुत बड़ा कार्मिक है आपका, बहुत बहुत बड़ा कार्मिक है आपका, ठीक है। एंड आप उनकी बातों को ऐसे मानते हैं पाइल नंबर वन पीपल, जैसे कि अगर नहीं मानी तो सब ख़त्म है, ठीक है। आप उनकी बातों को इतना स्ट्रांगली तवज्जो देते हैं, एंड आपकी है ना लाइफ में कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी आई है ना, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी ही है। कई बार ऐसा होता है कि सलाह देने वाला ही गलत सलाह हमें दे रहा होता है, गलत हमें इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, और हम गलत कर लेते हैं, हमारी पूरी की पूरी लाइफ वेस्ट हो जाती है। जैसे सपोज़ करें आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली, लेकिन आपके इस नेगेटिव इन्फ्लुएंसर ने, ये अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम थी आपको, इस इन्फ्लुएंसर ने आपको कुछ का कुछ कर दिया, कुछ का कुछ कह दिया, आप भी मैच्योरिटी में आ गए और आपने सोचा कि नहीं यार कह तो ये सही रहा है, और फिर आपसे हो गई गलती। दो बारी टावर का कार्ड है यहाँ पे, एंड टावर इज ऑल अबाउट आपकी खुद की मिस्टेक्स, ठीक है जी। तो बात ऐसी है कि बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी ना आपकी लाइफ वर्स से वर्स हो रही है। एक तो आप लोगों के ऊपर अंधा विश्वास करते हैं, ठीक है, ऊपर से आप स्ट्रैटेजी बनाते नहीं हैं, ऊपर से आप ओवरथिंकिंग करते रहते हैं, थ्री ऑफ वॉन्स है ना, और आपका प्योर इतना मन है ना, इतना मन आपका प्योर है पाइल नंबर वन पीपल कि आप चीज़ों को देखते नहीं हैं, आप बस कर देते हैं कि हाँ चलो उसने बोला है तो फिर तो ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। थोड़ी सी अपनी बुद्धि भी लगाओ, दिस इज़ योर लाइफ ना, तो किसी और को रूल मत करने दो। चाहे आप किसी को प्यार करते हैं, आप किसी को प्रायोरिटी देते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके कलीग्स हैं, चाहे आपके वो फ्रेंड्स हैं या स्पाउस है या कोई भी है, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई भी है, कोई भी है ना, इट डजेंट मैटर। आपने उनको प्रायोरिटी दे रखी है, ना कि अपना पूरा का पूरा लाइफ ही आपने उनके हवाले कर दिया, नहीं। सुनो उनकी, लेकिन करो अपनी ही मन की, आपको इस चीज़ के लिए बोला जा रहा है। तो वर्स से वर्स आपकी लाइफ इसलिए हो रही है, आपके भी कुछ रीजंस हैं एंड कुछ स्ट्रांग रीजंस मैंने बताई दिए, कार्मिक एंड नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए मैं अब आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगी, आप मुझे बताना, क्या आपको हर वक्त एक तरीके की अजीब सी बेचैनी रहती है, क्या आपको हर वक्त सुसाइडल थॉट्स या नेगेटिव डिप्रेशन वाली एनर्जी फील होती है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी, तीसरी चीज़। चौथी चीज़, क्या आपको आपकी बॉडी के ऊपर अजीबोगरीब तरीके के निशान मिलते हैं और वो फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं, या फिर आपका मन हमेशा उदास रहता है और ख़राब चीज़ें सोचता रहता है। अगर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर येस है ना, तो आई एम टेलिंग यू कि ये हाँ वर्स से वर्स कंडीशन है, और ये इसलिए चल रही है क्योंकि किसी तरीके का ब्लैक मैजिक या फिर नज़र टोक है, ओके। इसको ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका है, ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग करो, ठीक है। नाउ इट डजेंट मैटर आप किस मुल्क से बिलोंग करते हैं,
ठीक है, आप किस कंट्री से किस देश से बिलोंग करते हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है, आप क्या बोलते हैं उसे, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है, क्योंकि सब लोग एक ही हैं। तो आप ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग कीजिए, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में या कहीं डिस्क्रिप्शन में ना वो ब्लैक तारा मंत्र मेंशन कर दूंगी। तो आपने उसकी चैंटिंग करनी है रोज़ रात को सोने से पहले, इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप लोग 11 टाइम्स कर सकते हैं, 91 टाइम्स कर सकते हैं, 108 टाइम्स भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू योर टाइम, ठीक है, आप कितना दे सकते हैं। एंड फिर उनसे प्रार्थना करनी है और आपने सो जाना है नॉर्मली, ठीक है। सेकेंड थिंग, सॉल्ट बाथ ज़रूर लेना है, थर्सडे को छोड़ करके आपने हर दिन सॉल्ट बाथ ज़रूर लेना है, एंड अपने बालों को बचाइएगा, ग्रे हो जाएंगे, ठीक है, तो ये काम आपने करना है। तीसरा, आपने एक ग्रीन या फिर डार्क रेड कलर का हैंकी हमेशा अपने पास रखना है, ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़राब नज़र को जो है ख़त्म करती हैं, ओके। आप सेज स्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप धूप का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में, वो धूप, वो वाली धूप नहीं, वो जो बना के ब्लैक वाली अपन लगाते हैं, नहीं वो धूप नहीं, कंडा होता है ना गाय का काउ डंग का जो कंडा बनता है, ठीक है, उसको थापी भी बोलते हैं हम लोग, है ना, छाने भी बोलते हैं उसको, उसको क्या करना है आपने अच्छे से आँच पर पका लेना है, ठीक है, रख कर आपके स्टोव पर अच्छे से पका लेना है। एंड देन है ना धूप आती है, ड्राई धूप आती है, ओके, पाउडर आता है ड्राई धूप का, उसको आपने उसके ऊपर छिड़कना है। जब हम अर्घ देते हैं ना, जैसे अभी नवरात्रि चल रही है तो हम बुलाते हैं माँ को, हम ऐसे अर्घ देते हैं, तो वो वाली चीज़ होती है वो, तो आपने अच्छे से धूप उसमें डालनी है, और फिर ना उसकी वो जो धुआँ निकलेगी ना सारे के सारे घर में देने हैं आपने। स्पेशली आपको ना किसी को बोलना है कि वो जो धुआँ है ना वो आपके ऊपर से भी सात या नौ बारी वार करके और फिर बाहर कहीं फेंक दे, ओके, ये चीज आप करो। और ये जो धूप वाला काम मैंने बताया, ये आपने करना है सैटरडे या ट्यूसडे, ओके, ये काम आप करो, आपके सारे काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। नाउ लेट मी चेक एडवाइजेस फॉर यू। तो आपके लिए यहाँ पे एडवाइस है, गार्डन एंजल कट द कोड्स, मैंने बोला था नेगेटिव पीपल है, मैनिफेस्टेशन, बॉटम ऑफ द डेक सरेंडर। देखो जब कुछ समझ नहीं आता है ना तो भगवान के ऊपर छोड़ देना ज़्यादा बेहतर होता है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप भगवान पर छोड़ दें, सरेंडर कर दें, ठीक है, आप रेमेडीज करें और सरेंडर कर दें बस। दूसरा, हमेशा आपका, हो सकता है ये वीडियो आपको इसीलिए मिली है, मुझे नहीं पता ये कौन देखने वाला है, कैसे देखने वाला है, बट हो सकता है ये वीडियो इसलिए आपको मिली है, ठीक है। सो गार्डन एंजल ऑलवेज देयर, मैनिफेस्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ, आप अच्छा सोचें अपनी लाइफ के बारे में, आप जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा आपको मिलेगा, है ना। एंड नेगेटिव लोगों से दूर रहें, या तो आप कोट कटिंग करवा लें उनसे, या फिर नेगेटिव लोगों से दूर रहें। आप जितना नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे उतना जल्दी आप ग्रो करेंगे, एंड अपनी सीक्रेट्स किसी को ना बताएं, दिस इज़ द बिगेस्ट एडवाइस फॉर यू, ओके। तो पाइल नंबर वन पीपल, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग गाइस, यही थी आपकी रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, एंड प्लीज़ फ्रॉडलेंट से बच के रहिएगा। आई नेवर यूज टू गिव माई पर्सनल नंबर इन कमेंट सेक्शन और एनी वेयर, आपको चाहे 111 की DP दिखे वहाँ पर, चाहे मेरा नाम दिखे वहाँ पर, समझ जाना फ्रॉड है, मैं कभी भी अपना नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं मेंशन करती हूँ, प्लीज़ उस चीज़ से सावधान रहिएगा, ठीक है। एंड खुद से ढेर सारा प्यार करें एंड ये सॉल्यूशंस करें, लव यू ऑल लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठीक है, बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल, द पीपल हु चूज दिस ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू, लीब्रा स्कॉर्पियो सेजिटेरियस कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस स्पाइसेस, यानी कि तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग, मैं इस कार्ड को यहाँ रख रही हूँ, ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो वर्स से वर्स क्यों हो रही है, क्या दिक्कत है, क्या रीजंस है। मुझे यहाँ पे एन नंबर ऑफ रीजंस दिखाई दे रहे हैं पाइल नंबर टू पीपल, या तो हो सकता है कि आपकी लाइफ वर्स से वर्स नहीं हो रही है, इट्स यू हु आर थिंकिंग अबाउट दिस, ठीक है,
थिंकिंग अबाउट दिस अगेन एंड अगेन, सेम एंड सेम पैटर्न्स आप लोग सोच रहे हैं, या तो पाइल नंबर टू पीपल, ओके, बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस, काफ़ी टाइम से चल रही हैं ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में, मतलब ये जो नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी टाइम से चल रही हैं, इसका मतलब आपकी लाइफ में, ओके बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ वॉन्ट्स, कमियां आपकी तरफ से हैं भाई, आप उस चीज को माने या नहीं माने, लेकिन हाँ पाइल नंबर टू पीपल, कमियां आपकी तरफ से हैं, आप ही है कुरक की जड़, आई एम सो सॉरी, लेकिन हाँ ये रियलिटी है। क्या बात होती है ना, देखो वो कहावत है ना, बुरा जो देखन में चला है ना, जग में बुरा न कोई, जे मन देखा आपरा मुझसे बुरा न कोई, तो बस कुछ वैसा ही है कि हम सारी नेगेटिविटी बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही होती है। पाइल नंबर टू पीपल वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे यहाँ पे अनियमित नींद, बहुत सारा काम, बहुत सारा डिप्रेशन, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर के परेशानी, एंड कुछ बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फील हो रही हैं जो आपकी लाइफ में अभी मौजूद हैं। बॉटम ऑफ द डेक ब्लेस्ड का कार्ड है, नहीं कार्ड निकले, अरे एक और चाहिए हमें, ये वाले तो स्पेशली मैंने सोचा था कि चार चार ही निकालूंगी, नहीं इतने सारे नहीं, इतने सारे नहीं डिवाइन, थिंकर देखा, पाइल नंबर वन में भी फर्स्ट कार्ड यही था, सोलमेट्स, सेरेंडिटी एंड हायर पावर, मैंने कहा ही था, मुझे पता ही था, थैंक यू एंजल्स, ओके नेक्स्ट देखते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, काम का प्रेशर, परेशानी, दुख दुविधा, ठीक है, रास्ता नहीं मिल पाना, कैसे क्या करा जाए यार, ठीक है, बर्डन में होना, किसी का डिसेप्टिव एनर्जी में छोड़ के जाना, मुझे यहाँ पे है ना किसी का छोड़ के जाना है, किसी तरीके का स्ट्रांग ब्रेकअप होना, या फिर घर परिवार के कलह कलेश, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि शादी हो जाती है लेकिन उनके ससुराल वाले उनको टॉर्चर करते हैं, ठीक है, वो एनर्जी भी है यहाँ पे, किसी का दिल टूटने वाली एनर्जी भी है यहाँ पे, किसी को उसके घर वाले जो है काम नहीं करने दे रहे हैं जो वो करना चाहते हैं, उसका भी बर्डन है, एंड किसी को अपनी लव लाइफ और करियर दोनों का बर्डन है। एनीवेज हम प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि आपकी लाइफ दिन पे दिन वर्स क्यों हो रही है, वर्स से वर्स क्यों हो रही है। जैसा कि मैंने कहा था कि कमी कहीं ना कहीं आपकी तरफ से है, मैंने ये चीज़ पाइल नंबर वन में भी बोली थी, आपको भी बोलूँगी, जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोचते हैं,
तो हम क्या करते हैं उस चीज़ को, जो नेगेटिव चीज़ है ना, उस चीज़ को हम और नेगेटिविटी दे रहे होते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम और ज़्यादा बढ़ावा चढ़ावा दे रहे होते हैं, ठीक है। और जब हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे होते हैं तो चीज़ें ना हमारी लाइफ के अंदर ख़राब होती जाती हैं। ओके, इस चीज़ को आप मान लीजिए अच्छे से, मैं आपको बता रही हूँ। अब क्या होता है कि आपकी लाइफ जो है दिनों दिन फिर ख़राब होती जाती है। आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, चीज़ें हो कहाँ से क्या रही हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, समझ रहे हो। तो वो चीज़ है यहाँ पे। आप क्या करते हो, आप ओवर थिंकिंग करते हो, जो करते हो आप सोल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं करते हो, पाइल नंबर टू पीपल, ठीक है। जबकि कहीं ना कहीं सोल्यूशन आपके दिमाग में होता है, ऐसी बात नहीं कि सोल्यूशन आपको पता नहीं है, आपको पता है सोल्यूशन, आपको अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं ना उसके रिगार्डिंग सोल्यूशंस पता हैं ऑलरेडी। आप अपना मन खंगाल के देखिए, अपना मन आप टटोल के देखिए, यू विल डेफिनेटली गेट सोल्यूशंस ऑफ योर एवरी प्रॉब्लम, एवरी सिचुएशन और एवरी प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन बात पता है क्या हो जाती है कि आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि उस सोल्यूशन, वो दिमाग में आने के बाद आप उसको ना काम में लेने के बजाय क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो। तो ये चीज़ फिर गलत है ना। आप एक प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन नहीं करते हो और चीज़ें जब बढ़ जाती है ना तब भागते हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप गलत समय पे गलत चीज़ों को प्रायोरिटी दे देते हो, ठीक है। आपका समय किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देने का और आप किसी और को दे रहे हो, तो फिर क्या होगा, चीज़ें ख़राब ही होंगी ना, सही तो कुछ होगा नहीं, फिर चीज़ें ख़राब भी होंगी, चीज़ें इनफैक्ट और भी ख़राब होती चली जाएंगी, एंड यू गाइज विल नेवर गेट एनीथिंग फ्रॉम एनी वेयर, ओके। तो बात यहाँ आ जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपके पास्ट के जो सिनेरियोज है ना वो कब के ख़त्म हो चुके हैं। लाइक मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर आपका दिल टूटा या किसी ने कोई आपको छोड़ के गया या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, वो चीज़ होनी थी वो हो गई वो ख़त्म, ठीक है। लेकिन आप जो है उस चीज़ को छोड़ ही नहीं रहे, आप उस चीज़ को है ना ख़त्म ही नहीं होने दे रहे, आप अपने दिमाग में उस चीज़ को लगाए रखते हैं, आप गिल्टी फील करते रहते हैं कि आपने किसी इंसान के ऊपर क्यों ट्रस्ट किया, या फिर कह लीजिए कि आप हर वक्त एक तरीके की नेगेटिव बर्डन में रहते हैं कि आपकी लाइफ में ये सब क्यों हुआ और आपको अपनी लाइफ को अब आगे किस तरीके से बढ़ाना चाहिए। अगर आप इस तरीके की एनर्जी में रहोगे तो आई मस्ट से माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर टू पीपल, यू विल नेवर गेट एनीथिंग, लाइक एनीथिंग, कुछ भी नहीं ले पाओगे किसी भी चीज़ से। आपको अपने पास्ट से क्लिंग करना बंद कर देना चाहिए, क्लिंगिंग टूवर्ड्स नॉट योर पास्ट, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो, पाइल नंबर टू, ठीक है। तो पहली चीज ओवर थिंकिंग, रॉन्ग प्रायोरिटीज, तीसरा क्लिंगिंग इन पास्ट, ओके, ये तीन रीजंस बहुत बेहद जरूरी है। रही बात, और मैं कोई रीज़न यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कोई नज़र टोक तो नहीं है मेरे ऊपर या ये तो नहीं है वो तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान हैं, जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कुछ लोग हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, ठीक है। पाइल नंबर टू पीपल, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप डिवाइन से कनेक्ट होकर के कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर सकें अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन आप वो कर ही नहीं रहे, आप सिर्फ और सिर्फ रोते रहते हैं, ठीक है। एक हॉलो विक्ट्री में रहते हैं, एक नेगेटिव शैडो में रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अगर इस तरीके की एनर्जीज में रहोगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं क्या, मुझे नहीं लगता चीज़ें सही हो सकती हैं, ठीक है। आप अपने लिए एक्शन ही नहीं लेते हो, आप अपने लिए एक्शन कैसे ले सकते हो, आप अपने लिए एक्शन ऐसे ले सकते हो कि आप एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में। अगर आप एक अच्छी जॉब कर रहे हो तो आप उससे और अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करो, ठीक है। तो अगर आप अपने करियर पे थोड़ा सा फोकस करना शुरू करोगे तो चीज़ें सही होती चली जाएंगी। पाइल नंबर टू पीपल, आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ सही है, लेकिन आप जो चीज़ें सही है ना उनकी तरफ नहीं फोकस कर रहे हो। जो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी ख़राब है ना, आप उनके ऊपर हद फोकस करके उनको और वर्स से वर्स कर रहे हो। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पाइल नंबर टू, ठीक है। अगर आपने टू को पिक किया है और आप ऐसा सोच रहे हो कि कहीं किसी और की गलती है, तो ना, नहीं, ऐसा नहीं है, आप ही की गलती है। आपने बढ़ावा दे रखा है इन एनर्जीज़ को, ठीक है, आप ही ने बढ़ावा दे रखा है नेगेटिविटी को। आपकी लाइफ में मनी भी है, फ्रीडम भी है, पावर भी है, करेज भी है, ठीक है, मैं बता दूँ, लेकिन आपने ना अपनी एनर्जीज़ को बहुत स्लो कर रखा है। आप एक परफेक्ट प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, आप डिसअपॉइंटेड महसूस करते हैं, ठीक है, आप बर्डन वाली एनर्जी में रहते हैं, आप कहीं ना कहीं परेशान ज़्यादा रहते हैं, कोई भी सोल्यूशन निकाल के उसके ऊपर काम करने से ज़्यादा आप सोचते रहते हैं।
एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वैसे मैं ये टॉपिक नहीं था बट आपके कार्ड में निकला है तो आई नीड टू टेल यू गाइस, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही हैं कि बहुत जल्दी लाइक विद इन 6 weeks to 6 months के अंदर अंदर आपकी ये जो परेशानी चल रही है ना, जो ये वर्स से वर्स ख़राब सिचुएशन जो चल रही है, इसका सोल्यूशन निकलने वाला है, ठीक है, इसका बहुत ही स्ट्रांग सोल्यूशन निकलने वाला है. एंड ऐसा सोल्यूशन होगा दैट यू गाइज विल यू नो शॉक्ड कि अरे ऐसा हो गया. ठीक है, सो पहली बात किसी के कहने में नहीं आओ, दूसरा ओवरथिंकिंग मत करो, तीसरा प्रायोरिटी सही समय पर सही चीज़ों को दो, एंड चौथा फालतू की बकवास नहीं करनी है, नहीं सोचना है कुछ भी फालतू. ठीक है, एक हाँ एक चीज़ और जो मैं यहाँ देख रही हूँ, ठीक है, जबकि आपके कार्ड जितने अच्छे हैं स्टिल आप खुद को तो इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है और आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव नेगेटिव बोलते रहते हैं. बोलते हैं कि नहीं बोलते मुझे बताओ. मेरा तो ये ख़राब है, मेरी लाइफ में तो ये ख़राब है, मैं तो, मेरे साथ तो होता ही ऐसा है, पता नहीं मेरी किस्मत. अरे ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है, समझ रहे हैं. आगे आने वाला कुछ समय, देखो लाइफ में हर किसी का टाइम ख़राब होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है. जो चीज़ें आपको अच्छा महसूस कराती हैं वो काम कीजिए, जो चीज़ें आपको अच्छा महसूस नहीं कराती हैं उन चीज़ों को अपनी लाइफ से ख़त्म कीजिए. नेगेटिव कोड्स को रख करके कुछ नहीं होने वाला, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा पाइल नंबर 2. ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या हैं. आस्क एंड रिसीव, दैट्स व्हाट आई वाज यू नो टॉकिंग अबाउट, कि अच्छा सोचिए सब अच्छा होगा, एंजल्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं एंड यस आपकी लाइफ में अच्छे बदलाव आ रहे हैं, डोंट वरी. ओके, बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, ये आपको गाइडेंस के तौर पर आज की रीडिंग देखिए. क्या पता इस रीडिंग के दिखने का मीनिंग ही यही था कि आप ये सारी गलतियां कर रहे थे और सोच रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो अपनी इन चीज़ों को सही करो, अपने आप से ढेर सारा प्यार करो, इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करो एंड इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो अगर आप नए हैं तो. नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ मैं अपना कभी भी कोई भी पर्सनल नंबर कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं देती हूँ. जब तक आप मुझे मेरे मेल आईडी पर मेल नहीं करेंगे या इंस्टाग्राम पर मैसेज नहीं करेंगे, आई नेवर यूज़ टू गिव माई नंबर, जो मेरा पर्टिकुलर नंबर है, तो उस चीज़ के लिए प्लीज़ आप सावधान रहिएगा. कमेंट सेक्शन में या इधर उधर कहीं भी आपको कोई नंबर दिखे तो आप प्लीज़ मेक श्योर ज़रूर कर लीजिएगा. ठीक है, तो अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा. बाय.